मैंने यहाँ पे दिवाली के लिए बनाई है बहुत ही अनोखी और बहुत ही मजेदार तरीके से ये मिठाई। ये बहुत ही अनोखी सी है और बहुत ही यूनिक तरीके से बनाई गई है। तो देखिए बहुत ही ज्यादा फुसफुसी सी है, बस थोड़ा सा ही मैंने इसे दबाया और बस ये चूरा चूरा हो गया। आप चाहो तो इसे एक ताक की चाशनी के साथ भी बना के तैयार कर सकते हो और ये बहुत ही बढ़िया बनती है। और मैं इसका टेस्ट तो बता ही नहीं सकती हूँ, बहुत ही हल्का सा मीठा है और साथ ही साथ में बहुत ही फुसफुसा सा है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से बनाई जाती है वर्की मिठाई। यहाँ पे हम चाशनी बनाएंगे। बर्तन में हम यहाँ पे 1 कप शक्कर डालेंगे, साथ ही साथ में इसमें डालेंगे हम 1 कप पानी। अब डाल देंगे हम यहाँ पे थोड़ी सी इलायची, तो मैंने यहाँ पे 4 इलायची को छील लिया है और इसमें डाल दिया है। तो इसे हम गैस के ऊपर रख देते हैं बर्तन को, और आंच को यहाँ पे मध्यम और तेज़ के बीच में रखना है। और चाशनी में उबाल आना शुरू हो चुका है। अब इसमें हम डाल देंगे केसर, तो यहाँ पे मैं चुटकी भर केसर डाल दूँगी। और हमें यहाँ पे 10 मिनट तक इसे अच्छे से उबालना है। आप दो चीज़ें कर सकते हो, चाशनी को आप एक तार में बना सकते हो, या फिर आप चाशनी को सिर्फ चिपचिपी जो होती है सिर्फ वैसा ही करना चाहो तो वैसे भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे एक तार की चाशनी नहीं बना रही हूँ, सिर्फ मैं चाशनी को चिपचिपा ही करूँगी। जब दो उंगलियों के बीच में चाशनी को हम घुमाएंगे तो आपके हाथों में चिपचिपापन सा होना चाहिए। तो 10 मिनट तक हम यहाँ पे चाशनी को अच्छे से गर्म कर लेंगे, और जैसे ही ये चिपचिपी हो जाएगी हम इसे बंद कर देंगे। तो प्लेट में हम यहाँ पे मैदा ले लेंगे, तो ये 1 कप मैदा है। और अब 1 कप मैदे में हम डालेंगे 3 टेबलस्पून अच्छी खासी भर के घी, तो ये गाय का घी है। तो हमें यहाँ पे इसे अच्छे से मसल मसल के इसकी मोइन करनी है। तो देखिए मैंने यहाँ पे इसकी मोइन कर ली है, और जैसे कि आप पूरा का पूरा जो मैदा देख रहे हो किस तरह से दिख रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई मिल्क पाउडर हो। तो देखिए इस तरह से हल्के से हाथों से दबाएंगे तो पूरी तरह से ये बन रहा है। तो बहुत ही बढ़िया मोइन हो चुकी है। अब इसे हम गूंदने वाले हैं, तो बहुत ही थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और हमें यहाँ पे गूंदना है। तो आटा जो मैदे का हम गूंदेंगे वो मध्यम होना चाहिए, टाइट नहीं होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे गूंद के तैयार कर लिया है, जैसे कि आप देख रहे हो ये मीडियम है लेकिन हल्का सा टाइट है, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं है। तो आटे को मैंने यहाँ पे गूंद लिया है अच्छे से। तो हम यहाँ पे एक घोल तैयार करने वाले हैं, तो कटोरी के अंदर हम डाल देंगे 2 टेबलस्पून घी, ये गाय का घी है। और हमें यहाँ पे चम्मच की सहायता से इसे बहुत ही अच्छे से फेंटते रहना है। जैसे कि आप देख रहे हो ये गाय का घी है जो कि पीला है, लेकिन हमें इतना फेंटना है इसको कि ये पीला ना हो के बहुत ही हल्का सा क्रीम कलर का हो जाए, और ये बहुत ही ज़्यादा इसका जो टेक्सचर होता है क्रीमी सा हो जाए। तो देखिए यहाँ पे मैंने अच्छे से इसे फेंट लिया है, और इसका जो रंग देख रहे हो एकदम पीला सा नहीं है, बहुत ही हल्का सा हो चुका है इसका रंग, और ये जो घी है एकदम क्रीमी सा हो चुका है। अब इसके अंदर हम डालेंगे कॉर्न स्टार्च, आप चाहो तो कॉर्नफ्लावर भी डाल सकते हो, क्योंकि कॉर्न स्टार्च और कॉर्नफ्लावर एक ही चीज़ होती है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके कॉर्न स्टार्च डालते जाएंगे, तो ये 4 टेबलस्पून कॉर्न स्टार्च है, और थोड़ा थोड़ा करके हमें इसमें डालते जाना है, और चम्मच की सहायता से हमें इसे अच्छे से मिलाना है। ये जो घोल हम तैयार कर रहे हैं वो हल्का सा गाढ़ा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए। तो ये जो घोल है हमारा तैयार हो चुका है। तो मैंने यहाँ पे सिलिकॉन शीट के ऊपर ये जो मैदा है, आटा जो गूंद के तैयार किया है, वो रख लिया है, क्योंकि यहाँ पे हमें इसे बेलना है। तो अच्छी खासी जगह आपको चाहिए होगी इसे बेलने के लिए, या फिर अगर आपके पास इस तरह का सिलिकॉन शीट नहीं है तो आप चाहो तो आपके किचन के प्लेटफॉर्म के ऊपर भी इसे बेल सकते हो, क्योंकि प्लेटफॉर्म तो हमेशा हम साफ ही रखते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे मैंने लिया है सूखा मैदा, हमें यहाँ पे इसे एकदम पतला बेलना है। तो हमें यहाँ पे इसे बेलना है, और बीच बीच में हम ये जो मैदा है वो छिड़कते जाएंगे और अच्छे से फैला के हमें इसे बेलते जाना है। मैं यहाँ पे बेलती जा रही हूँ और बहुत ही थोड़ा थोड़ा सूखा मैदा लेती जा रही हूँ, और इस तरह से हाथों से इसे फैला रही हूँ।
तो मैंने यहाँ पे बेल के तैयार कर लिया। देखिए मैदे का जो शीट है बहुत ही ज़्यादा पतला है, तो आप देख रहे हो कितना पतला होना चाहिए, तो इतना ही पतला होना चाहिए। और आपको एक बात का ये भी ध्यान रखना है कि आप जब भी बेलोगे इसे बार बार बीच बीच में जितने बार आप बेलने वाले हो इसके ऊपर थोड़ा सा, बहुत थोड़ा, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सूखा मैदा डालते जाएंगे और हाथों से हमें इसे फैलाना है सूखे मैदे को और बेलते जाना है। इससे ये होगा कि ये ज़्यादा चिपचिपा सा नहीं होगा और ये थोड़ा सा ड्राई सा रहेगा। अब इसकी हम पतली शीट बनाएंगे। घी और कॉर्नस्टार्च का जो घोल हमने तैयार किया था गाढ़ा सा, अब वो मैदे के शीट के ऊपर हम फैलाएंगे। तो मैं यहाँ पे ब्रश की सहायता से अच्छे से इसे फैलाऊंगी, आप चाहो तो हाथों की सहायता से भी आप इसे अच्छे से फैला सकते हो। तो अच्छे से मैंने यहाँ पे फैला दिया है। अब इसे हमें रोल करना है, तो रोल हमें थोड़ा सा इसे टाइट करना होगा, तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखिए। इसलिए मैंने आपको कहा था कि बहुत ज़्यादा मुलायम सा डो आप तैयार ना कीजिएगा। मैंने आपको पहले ही कहा है कि जो डो हम तैयार करेंगे वो बहुत ज़्यादा मुलायम सा नहीं होना चाहिए, मीडियम और हल्का सा कड़क होना चाहिए। तो बहुत ही सावधानी से अब हम इसका रोल तैयार करने वाले हैं। तो आप देख रहे हो किस तरह से मैं इसे एक टाइट रोल तैयार कर रही हूँ। तो यहाँ पे बढ़िया तरीके से ये टाइट रोल तैयार हो चुका है। कोशिश मैंने अपनी तरफ से यही की है कि रोल थोड़ा सा टाइट ही हो। अब हम यहाँ पे इसे बीच से काट लेंगे। तो मैंने यहाँ पे इसके दो हिस्से कर लिए हैं। अब इसमें से एक हिस्सा ले लेंगे। मैंने यहाँ पे आधे हिस्से को काट लिया है बीच से, और फिर से मैं यहाँ पे इसे एक लंबा कट दे दूंगी। तो देखिए मैं इस तरह से इसे काट दिया है लंबा, और ये जो दूसरा हिस्सा है उसे भी हम लंबा काट लेंगे। इस तरह से चार लंबे हिस्से मिल गए हैं हमें, और बस इसे हमें इस तरह से रोल करते जाना है। तो देखिए मैं किस तरह से इसे रोल करती जा रही हूँ। क्योंकि ये ऊपर से थोड़ा सा मुड़ा हुआ है, क्योंकि रोल था ये, तो थोड़ा सा अंगूठे की सहायता से मैं थोड़ा सा इसे उठाने की कोशिश कर रही हूँ, और बस इसे रोल करते जाना है। आखिरी हिस्सा है, इस तरह से नीचे दबा देंगे, क्योंकि कभी कभी ये निकल भी जाता है। तो आप कोशिश ये कीजिए कि आप थोड़ा सा पानी लगा दीजिए आखिरी छोर पे, और बस हल्के हाथों से हम इसे दबा देंगे। तो देखिए यहाँ पे एक वर्की का ये तैयार हो चुका है। तो ये वर्की मिठाई तैयार हो चुकी है, इसे मैं साइड में रख देती हूँ। इसी तरीके से बाकी के जितने भी हमारे पास रोल हैं जो कटे हुए हैं, उसे हमें ऐसे ही तैयार करना है। तो मैं यहाँ पे सिर्फ दो ही डाल रही हूँ वर्की, ताकि मैं अच्छे से ध्यान दे सकूँ। और आप चाहो तो एक साथ भी डाल सकते हो, लेकिन फिर ये होता है कि थोड़ा सा पलटने में प्रॉब्लम सी होती है, तकलीफ सी होती है। तो अभी मैं दो डाल रही हूँ। तो देखिए मैं किस तरह से इसे फ्राई कर रही हूँ। तो झरिया के ऊपर मैंने इसे रख लिया है, और इस तरह से जो झारा होता है उसे ऊपर नीचे मैं कर रही हूँ, ताकि जो अंदर का जो वर्की है वो, तो अंदर के जो लेयर्स हैं थोड़े से खुले रहें, और इसके अंदर जो तेल है वो बढ़िया तरीके से जाए, नहीं तो ये अंदर से कच्चा रह जाएगा। और दूसरी खास चीज़ मैं ये बताना चाहूँगी आपको, आँच को मैंने यहाँ पे धीमा ही रखा है, और धीमी आँच पे ही हमें इसे तलना है, क्योंकि धीमी आँच पे ही ये बहुत ही बढ़िया तरीके से कुरकुरा तो होगा ही, अंदर तक इसके जो लेयर्स हैं उसके अंदर तक तेल जाएगा। ये थोड़ा सा समय ज़रूर लेता है तलने के लिए, क्योंकि मैं धीमी आंच पे ही इसे तल रही हूँ, और हमें यहाँ पे लाइट ब्राउन होने तक इसे तल लेना है। देखिए यहाँ पे लाइट ब्राउन हो चुका है, बहुत ही बढ़िया रंग आ चुका है, और सबसे खास बात है कि अंदर तक भी अच्छे से फ्राई हो चुका है, ये कच्चा नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे हम निकाल लेंगे प्लेट पर। बाकी की जो वर्की मिठाई है वो हम तैयार कर लेते हैं तल के। मैंने यहाँ पे वर्की चार तैयार कर ली है, और अब हम इसे डाल देंगे इस चाशनी के अंदर। चाशनी पूरी तरह से ठंडी होनी चाहिए, और जो वर्की है वो हल्की सी गर्म है, फिर भी हम डाल देंगे चाशनी के अंदर। और जो चाशनी है मैंने कहा था चिपचिपी होनी चाहिए, आप चाहो तो एक तार की भी कर सकते हो। तो बस हम यहाँ पे इसे डाल देंगे चाशनी के अंदर, और हमें यहाँ पे 5 मिनट तक इसे चाशनी के अंदर ही रखना है। और बस 5 मिनट हो चुके हैं, अब इसे हम प्लेट पर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे जो दो वर्की थी मुझसे ख़राब हो गई है, क्योंकि ये अच्छे से चिपकी नहीं थी तो ये खुल गई थी। तो मैं फिर भी यहाँ पे दिखा देती हूँ कि जो वर्की मैंने तैयार की है इतनी फुसफुसी सी है। तो देखिए बहुत ही आसानी से मैं मसल रही हूँ इसे, तो अच्छी मोइन होने की वजह से, और बहुत ही अच्छे से इसे तलेंगे तो बहुत ही ज़्यादा फुसफुसी सी बन के तैयार हो जाती है। तो यहाँ पे जो वर्की मिठाई है वो मैंने तैयार कर ली है, इसे हम सजा लेंगे पिस्ता के साथ। तो यहाँ पे बहुत ही बढ़िया सी मिठाई तैयार हो चुकी है। खाने में तो ये बहुत ही ज़्यादा फुसफुसी सी है, और साथ ही साथ में मीठा तो रहता ही है, दिवाली में तो मीठा का भी काम हो जाता है।
तो ये मैदे से बनाई हुई फुसफुसी सी ये वर्की मिठाई तैयार है। इसे आप फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हो। अगर आप इसे एक तार की चाशनी के साथ डुबो के तैयार करते हो तो आराम से इसे आप भरनी में स्टोर करके रख सकते हो या किसी डब्बे में स्टोर करके रख सकते हो। तो यहाँ पे मैं इसे तोड़ के दिखा देती हूँ। तो देखिए बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अंदर तक ये तल गया है, ऐसा नहीं कि कच्चा है। तो इसीलिए मैंने कहा है आपको कि धीमी आंच पे ही इसे पकाइए, तो बहुत ही बढ़िया तरीके से ये पक के तैयार हो जाता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये बहुत ही बढ़िया यूनिक तरीके की जो मिठाई है जो कि मैदे से तैयार की है, इस दिवाली में आप ज़रूर बनाइएगा। जय हिंद, जय भारत।